हेलो फ्रेंड्स, स्मृति किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो उसके लिए हमने गाजर लिया है और गाजर को अच्छी तरह से धो करके साफ़ करके कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच देसी घी। अब हम इसमें डाल लेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर और इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। लगातार चलाते हुए करीब 5 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसको हम भूनेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए गाजर। और ये देखिए, इस तरह से इसको ढक भी देंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए। अब हम इसमें डाल लेंगे दूध। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 1/2 लीटर के करीब मलाई वाला दूध डाला है। अगर आपके पास मलाई है तो वो भी डाल लीजिए। ये देखिए, हम यहाँ पे मलाई भी डाल लिए हैं। ये फ्रेश घर का ही निकाला हुआ मलाई है और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ में यहाँ पे डाल लेंगे हम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी के करीब चीनी डाला है। और उसके बाद हम डाल लेंगे यहाँ पे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे बादाम और किशमिश हमने डाल दिया है। मेरे पास काजू नहीं था तो हमने नहीं डाला है। अब हम इसमें डाल लेंगे कूटी हुई हरी इलायची। लगातार चलाते हुए इसको हम इसी तरह से पकाएंगे। ये देखिए, इसका दूध भी सब सूख गया है। और ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा गाजर का हलवा बना है। तो ये देखिए गल के कितना कम हो गया है। और ये देखिए, गर्मा गर्म हलवे को हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए, गाजर का हलवा हमारा तैयार है।